Hi guys, good afternoon, Sir Sri Kal and Ram Ram. मैं विनोद सर आपका करियर गाइडर एंड मोटिवेटर स्पीकर आपके सामने एक फिर से न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ और आप सभी का जीनियस नर्सिंग क्लासेज के इस विद्या मंदिर में आप सभी का तय दिल से हार्दिक अभिनंदन है। आपका आज का अपना टॉपिक रहेगा लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा। लिम्फोसाइट के अंदर अपने पढ़ेंगे दोस्तों बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। वो टी लिम्फोसाइट के टाइप पढ़ेंगे जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन निकलते हैं। तो जीनियस नर्सिंग क्लासेस के अंदर सभी मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट का सबका आपका हार्दिक अभिनंदन है। और सबसे मेरी एक की रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल, क्योंकि आपको इस चैनल के थ्रू पर डे एक या दो वीडियो डेली मिलेंगे और जिसके थ्रू आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो और अपने गोल तक पहुंच सकते हो। सारे के सारे वीडियो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखकर मैं बना रहा हूं। ऐसा नहीं है कि कहीं आपको बुक की कॉपी की हुई मिलेगी या ऐसा कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया मिलेगा, सारे के सारे टॉपिक का वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखकर बना रहा हूं। तो कुछ मोटिवेटर लाइन के साथ आगे बढ़ते हैं। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल से धीरे से आवाज आती है, धीरे से आवाज आती है, कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। तो यही है दोस्तों, असफलता हमें बार बार परेशान जरूर करती है, लेकिन अब हमें सफलता के उस गोल तक पहुंचने में रोक नहीं सकती। तो इसी चंद लाइनों के साथ अपने आगे बढ़ते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा लिम्फोसाइट। आज का अपना टॉपिक है दोस्तों लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी दो क्वेश्चन तो फेवरेट निकलते हैं। एक तो बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहां पे होता है और एक टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहां पे होता है। दो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर देखे तो बीएचयू के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है, एम्स के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है, आरआरबी के अंदर यहां से रिपीटेड क्वेश्चन है। तो लिम्फोसाइट का अगर डायमीटर की बात की जाए तो डायमीटर रहता है दोस्तों 7 to 12 माइक्रोन। क्लियर है दोस्तों, लिम्फोसाइट का अगर डायमीटर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या रहेगा राइट आंसर, 7 to 12 माइक्रोन। तो फर्स्ट की पॉइंट देखते हैं इसका लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मच ऑफ बॉडी इम्यून प्रोटेक्शन। क्लियर है दोस्तों, लिम्फोसाइट है अपनी बॉडी के अंदर क्या है, इम्यून, अपनी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में रोल प्ले करता है और आपको क्या करता है, जितने भी इंफेक्शन होते हैं उनसे फाइट करने में रोल प्ले करवाता है। तो लिम्फोसाइट किसके लिए रोल प्ले कराता है, बॉडी इम्यून प्रोटेक्शन के लिए रोल प्ले करता है। देन बात करें लिम्फोसाइट की बात करें तो लेस देन 1% ऑफ लिम्फोसाइट आर प्रेजेंट इन सर्कुलेटिंग ब्लड। क्लियर है दोस्तों, लेस देन 1% ऑफ लिम्फोसाइट आर प्रेजेंट इन सर्कुलेटिंग ब्लड एंड द रेस्ट लाइज इन लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड अदर लिम्फोइड ऑर्गन। तो इसी लाइन को मैं सिंपल वे में बताता हूं कि लिम्फोसाइट होता है अपने ब्लड के अंदर ओनली 1% क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, और जितने रिमेनिंग लिम्फोसाइट है वो कहां पे स्टोर रहते हैं, लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड अदर लिम्फोइड ऑर्गन। क्लियर है दोस्तों। द नेक्स्ट टाइप के ऊपर बात करें तो टाइप देखें लिम्फोसाइट का, तो बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ मैच्यूरेशन एंड देयर फंक्शन लिम्फोसाइट डिवाइडेड इनटू टू टाइप। लिम्फोसाइट है मैच्यूरेशन और उसके फंक्शन के बलबूते पे लिम्फोसाइट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है दोस्तों, एक है टी लिम्फोसाइट और दूसरा है बी लिम्फोसाइट। तो फर्स्ट वन कौन सा है, टी लिम्फोसाइट, एंड सेकंड वन कौन सा है, बी लिम्फोसाइट। चलो इनको देखते हैं वन बाय वन, टी लिम्फोसाइट
तो टी लिम्फोसाइट के अंदर पहले ही बता देता हूं मैं दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में टी लिम्फोसाइट के मैच्यूरेशन से क्वेश्चन आता है। टी लिम्फोसाइट के आगे देखा जाए तो चार टाइप की होती है। टी लिम्फोसाइट आगे कितने में डिवाइड हो जाती है, चार टाइप के अंदर डिवाइड हो जाती है। वहां से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। टी लिम्फोसाइट होती है वो मेनली किसके ऊपर काम करती है, बैक्टीरिया वायरस, तो ध्यान रखना किसके ऊपर काम करती है, वायरस के ऊपर काम करती है। यही चीज है। फाइनल मैच्यूरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट अकर इन थाइमस ग्लैंड, सो इट कॉल्ड टी लिम्फोसाइट। ध्यान रखना दोस्तों, दैट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। फाइनल मैच्यूरेशन पूछा जाता है टी लिम्फोसाइट का, फाइनल मैच्यूरेशन कहां पे होता है, तो आपको क्या बताना है, थाइमस ग्लैंड के अंदर। टी लिम्फोसाइट को ही बोला जाता है सेल्यूलर इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट किस टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो ध्यान रखना सेल्यूलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो टी लिम्फोसाइट सेकंड पॉइंट रहेगा अपना, टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बॉडी सो कॉल्ड सेल्युलर इम्यूनिटी। टी सेल मेडिएट इम्यून फंक्शन रिक्वायर सेल इंट्रैक्शन। तो यहां पे चार टाइप की सेल्स होती है, वो क्या करती है यहां पे रोल प्ले करती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसलिए इनको सेल्युलर इम्यूनिटी बोला जाता है। नेक्स्ट बात करें, टी लिम्फोसाइट के ऊपरी बात है, इट्स अटैक मेनली ऑन वायरस। टी लिम्फोसाइट किसके ऊपर काम करती है, किसके ऊपर वर्क करती है, ओनली वायरस। या सेकंड बात किसके ऊपर है, ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन सेल। मोस्ट कॉमन यहाँ पे वायरस के ऊपर क्वेश्चन बन के आता है, जो क्वेश्चन आता है एचआईवी का। और नॉर्मल यहाँ पे सीडी फोर सेल का काउंट देखेंगे, और एचआईवी के अंदर सीडी फोर सेल की काउंट कितनी आ जाती है, ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, ये भी देखते हैं दोस्तों आगे। तो इट अटैक मेनली ऑन वायरस एंड ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन सेल। और वायरस की अगर बात की जाए तो कौन सा वायरस के ऊपर क्वेश्चन आता है, नॉर्मली यहाँ पे एचआईवी वायरस के ऊपर। लिम्फोसाइट आर प्ले रोल ऑफ मेजर सोल्जर इन योर बॉडी इम्यून सिस्टम बैटल। तो ध्यान रखना किस टाइप का रोल प्ले करती है, मेजर सोल्जर का क्या करती है, रोल प्ले करती है। क्यों करती है, क्योंकि जितने भी एंटीजन होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर एंट्री मारते हैं, उनसे क्या करती है, उनको सोल्जर की जगह उनका पीछा करके उनको आइडेंटिफाई करती है, और उनका क्या कर देती है, उनका फेगोसाइटिस के द्वारा उनका क्या कर देती है, डिस्ट्रक्शन कर देती है। देन नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट। टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट देखें तो देयर आर फोर टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट इन ह्यूमन बॉडी। कितने टाइप की लिम्फोसाइट होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, चार टाइप की होती है दोस्तों। विच आर आइडेंटिफाई यूनिक प्रोटीन ग्रुप ऑन दी सेल सरफेस। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, यूनिक प्रोटीन पाई जाती है, जिनको बोलते हैं क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन सीडी, जिसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ डिप्रेशन। अगर ध्यान रखना दोस्तों, सीडी फोर नाम आएगा, और सीडी फोर का फुल फॉर्म क्या होती है, सीडी की क्लस्टर ऑफ डिप्रेशिएशन। क्लियर है। तो फर्स्ट टाइप की टी लिम्फोसाइट कौन सी होती है, फर्स्ट टाइप की टी लिम्फोसाइट होती है हेल्पर टी लिम्फोसाइट। किस टाइप की होती है, फर्स्ट टी लिम्फोसाइट कौन सी है, हेल्पर टी सेल, इसी को ही बोलते हैं सीडी फोर टी सेल, इसी को ही बोलते हैं इंड्यूसर टी सेल। क्लियर है दोस्तों, फर्स्ट टी लिम्फोसाइट कौन सी है, हेल्पर टी सेल, सेकंड वन इसी का नाम होता है सीडी फोर टी सेल्स, और इसी को ही बोलते हैं इंड्यूसर टी सेल्स। तो टी सेल्स कहने की बात है, टी लिम्फोसाइट में बात किसकी होती है, सेल की बात होती है ज्यादा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको सेल्यूलर इम्यूनिटी। सेल के द्वारा यहां पर इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। तो यहां पर टी हेल्पर टी सेल, सीडी फोर टी सेल और इंड्यूसर टी सेल्स के अंदर अगर आपने वन पॉइंट देखें तो दीज टी सेल स्टिमुलेट एंड रेगुलेट एक्टिविटी ऑफ अदर टी सेल ड्यूरिंग द इंफेक्शन और अटैक ऑफ ऑर्गन बॉडी, दैट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि वो कौन सी सेल्स है जो क्या करती है, अदर सेल को रेगुलेट करती है, एंड कब, ड्यूरिंग द इंफेक्शन और अटैक ऑफ ऑर्गन बॉडी। ईएसआई के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है। दीज टी सेल स्टिमुलेट एंड रेगुलेटी ऑफ द अदर टी सेल्स ड्यूरिंग द इंफेक्शन और अटैक ऑफ ऑर्गन बॉडी, जो ईएसआई के अंदर ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन यहां से निकला हुआ है दोस्तों, हेल्पर टी सेल बिलोंग टू, हेल्पर टी सेल बिलोंग टू, एम्स भोपाल ने ये क्वेश्चन पूछा था। हेल्पर टी सेल बिलोंग टू, तो हेल्पर टी सेल्स क्या है,
टी लिम्फोसाइट का पार्ट है, तो वहां पे ऑप्शन था टी सेल, बी टी लिम्फोसाइट, या कई जगह नाम आ जाता है टी सेल से बिलोंग करती है या बी सेल से, बी लिम्फोसाइट से बिलोंग करती है, तो यहां पे क्या नाम आएगा टी लिम्फोसाइट हेल्पर टी सेल बिलोंग टू, किससे है टी सेल, तो टी लिम्फोसाइट से बिलोंग करती है, क्योंकि आपको पता है हेल्पर टी सेल वो किसका पार्ट होता है, टी लिम्फोसाइट का ही पार्ट होता है। देन नेक्स्ट है दोस्तों, ए एचआईवी पॉजिटिव पर्सन डायग्नोज एड्स एंड स्टार्ट एआरटी एंटी रिट्रो थेरेपी एंटी रिट्रो वायरल थेरेपी व्हेन द सीडी फोर काउंट इज बिलो 200 सेल एमएम ऑफ क्यू ऑफ ब्लड। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों। जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है और आपके पास आते ही उसका अगर मान लो डाउट लगता है कि पेशेंट सफर किससे कर रहा है, एचआईवी से कर रहा है, तो अपने नॉर्मली क्या है सीडी फोर सेल काउंट कराएंगे, और सीडी फोर सेल काउंट जैसे ही बिलो 200 आ जाती है तो अपने क्या कर देते हैं उसका एआरटी ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करते हैं। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, एम्स पीजीआई और आरआरबी पूछा जाता है कि एक पेशेंट एचआईवी का पेशेंट है उसके अंदर सीडी फोर सेल काउंट कितनी आ जाती है, 200 से कम आ जाती है। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ए एचआईवी पॉजिटिव पर्सन डायग्नोज एड्स एंड स्टार्ट एआरटी थेरेपी व्हेन द सीडी फोर काउंट इज बिलो 200 सेल पर एमएम ऑफ क्यू ब्लड। अब बात आती है कि आप सोच रहे होंगे सर ने ये बता दिया कि नॉर्मल क्वांटिटी कितनी होती है सीडी फोर सेल की, अगर एचआईवी के अंदर 200 से कम आ जाती है तो नॉर्मल कितनी होती है। दोस्तों नॉर्मल भी बताता हूं आपको मैं, नॉर्मल काउंट ऑफ सीडी फोर सेल इज 500 to 1500 सेल पर एमएम क्यू ऑफ ब्लड, क्लियर है दोस्तों। एंड एवरेज मानी जाती है 950 सेल पर एमएम क्यू ऑफ ब्लड। तो अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मल काउंट ऑफ सीडी फोर सेल्स, तो ध्यान रखना दोस्तों आपको रखना है 500 से 1500 सेल एमएम ऑफ क्यू ऑफ ब्लड। अगर एवरेज की बात की जाए तो एवरेज कितनी होती है 950 सेल पर एमएम क्यू ऑफ ब्लड, दैट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। एक तो ध्यान रखना एचआईवी वाला याद रखना दोस्तों, एचआईवी के अंदर क्या आ जाती है, एचआईवी के अंदर सीडी फोर सेल काउंट कितने से कम आ जाती है, 200 से क्या आ जाती है कम आ जाती है। दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि नॉर्मल क्वांटिटी कितनी होती है सीडी फोर सेल की, जो आपको रेंज के अंदर बताई है मैंने 500 से 1500। अगर एवरेज पूछ ले आपसे तो एवरेज कितना रहेगा दोस्तों 950, और सीडी फोर सेल्स या हेल्पर टी सेल किससे बिलोंग करती है, तो सिंपल सा क्वेश्चन एम्स भोपाल ने पूछा था, टी लिम्फोसाइट से बिलोंग करती है। तो ये तो अपने पढ़ा है दोस्तों अभी तक ओनली फर्स्ट पार्ट पढ़ा है टी लिम्फोसाइट का, फर्स्ट पार्ट कौन सा था हेल्पर टी सेल, सीडी फोर टी सेल और इंड्यूसर टी सेल, क्लियर है दोस्तों। देन आपको पता है अगर आपसे पूछ ले कि टी लिम्फोसाइट की वो कौन से टाइप की सेल्स है जो अदर टाइप की सेल्स को क्या करती है रेगुलेट करती है, तो सेम क्वेश्चन यहां पे बनेगा दोस्तों, ऑप्शन में हेल्पर टी सेल भी डाल सकता है ये नाम ना डाल के, सीडी फोर टी सेल भी डाल सकता है ये नाम ना डाल के, क्या डाल सकता है इंड्यूसर टी सेल भी डाल सकता है। तो यहां से तीन नेम आ रहे हैं, एक्सेप्ट बेस के ऊपर क्वेश्चन यहां पे बना के एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट है सेकेंड टाइप है टी लिम्फोसाइट का, सेकेंड टाइप है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट या किलर टी लिम्फोसाइट या सीडी 80 सेल, क्लियर है दोस्तों। सेकेंड टाइप है टी लिम्फोसाइट का जिसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, क्लियर है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, इसी को बोलते हैं किलर टी लिम्फोसाइट और इसी को बोलते हैं सीडी 80 सेल या टी लिम्फोसाइट। तो इट डायरेक्टली अटैक द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिस्ट्रॉयड देन बाय लाइसोसोम एंजाइम, क्लियर है। तो होता क्या है जैसे ही कोई वायरस अपनी बॉडी के अंदर एंट्री करता है, एंट्री करते ही सबसे पहले एक्टिवेट कौन सी होगी, सबसे पहले एक्टिवेट होगी हेल्पर टी सेल या सीडी फोर टी सेल या इंड्यूसर टी सेल। अब आपने वहां पे पढ़ा था कि हेल्पर टी सेल्स होती है अदर ग्लैंड को क्या करती है, अदर सेल को क्या करती है, अदर सेल को एक्टिवेट करती है रेगुलेट करती है। जैसे ही वायरस आएगा टी सेल किसको कमांड देती है, टी सेल साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट को कमांड देगी या की किलर टी लिम्फोसाइट को कमांड देगी कि ऐसे ऐसे करके अपनी बॉडी के अंदर एक वायरस है वो घुस चुका है, आप उसके ऊपर क्या करो हमला करके इसको क्या करो डिस्ट्रॉयड करो। तो जैसे ही टी लिम्फोसाइट को पता लगता है कौन सी टी लिम्फोसाइट किलर टी लिम्फोसाइट को, तो ये क्या करती है
directly attack the microorganism and destroy the वायरस. जो भी वायरस अपनी बॉडी के अंदर एंट्री करता है उसको क्या कर देती है, डिस्ट्रॉयड करती है. किसके थ्रू करती है, लाइसोसोमल लाइसोसोम्स एंजाइम होता है, इसके थ्रू उसको क्या कर देती है, डिस्ट्रॉयड कर देती है. इसके बाद थर्ड टाइप होता है सुप्रेसर टी लिम्फोसाइट. सुप्रेसर टी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, इट सुप्रेस द एक्टिविटी ऑफ किलर किलर टी लिम्फोसाइट. क्लियर बात है. जैसे ही किलर टी, दोबारा थोड़ा सा सिस्टमेटिक व्यू में बता रहा हूं, जैसे ही देखो हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट हुई, कब हुई, जैसे ही कोई वायरस अपनी बॉडी के अंदर क्या किया, एंट्री किया, और हेल्पर टी सेल ने किसको मैसेज दिया, हेल्पर टी सेल ने साइटोटॉक्सी किया, किलर टी लिम्फोसाइट को रिस्पॉन्स दिया. किलर टी लिम्फोसाइट क्या थी, वो एक्टिवेट होकर उस वायरस को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉयड कर दिया. लेकिन अभी भी क्या है, वो टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट है और इसको क्या करेगी फिर, उसको सुप्रेसर टी लिम्फोसाइट क्या बोलती है, सुप्रेसर टी लिम्फोसाइट बोलती है कि अब आप शांत हो जाइए, आपका काम था वायरस को डिस्ट्रॉयड करना, आपने वायरस को डिस्ट्रॉयड कर दिया है, और आप धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी को क्या कर लेती है, धीरे धीरे किलर टी लिम्फोसाइट वो क्या हो जाती है, सुप्रेस होने लग जाती है. मतलब पहले गुस्से में थी, क्योंकि गुस्सा आता है जब किसके साथ फाइट करेगी, वो जो वायरस के साथ फाइट करती है, तो सुप्रेसर टी लिम्फोसाइट उसके गुस्से को क्या करती है, शांत करती है, उसको क्या करती है, सुप्रेस कर देती है. कब करेगी सुप्रेस, जैसे ही वायरस को उसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया, उसको डिस्ट्रॉयड कर दिया, उसके बाद उसको क्या कर देती है, सुप्रेसर टी लिम्फोसाइट सुप्रेस कर देती है. तो सुप्रेसर टी लिम्फोसाइट का सिंपल सा काम होता है सुप्रेस द एक्टिविटी ऑफ द किलर टी लिम्फोसाइट. क्लियर है दोस्तों. देन नेक्स्ट है मेमोरी टी लिम्फोसाइट. अब सुप्रेस कर दिया तो लास्ट वाली सेल्स है जो चार नंबर की पढ़ रहे हैं, और आपने किस क्या पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट. तो चौथे टाइप की कौन सी टी लिम्फोसाइट है, मेमोरी टी लिम्फोसाइट. और मेमोरी टी लिम्फोसाइट के अंदर देखें तो इट रिमेन इनटू लिम्फोइड टिश्यू. कहां पे बनी रहती है, लिम्फोइड टिश्यू के अंदर रहती है, एंड कीप मेमोरी फॉर इन्फेक्शन इन नेक्स्ट टाइम बाय सेम ऑर्गेनिज्म. तो ये मेमोरी टी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, मेमोरी टी लिम्फोसाइट का काम होता है जैसे कोई वायरस एक बार अपनी बॉडी के अंदर आया, आते ही हेल्पर टी लिम्फोसाइट एक्टिविटी किलर लिम्फोसाइट को मैसेज दिया और उसने डिस्ट्रॉयड कर दिया, उसके बाद सुप्रेसर ने क्या कर दिया, किलर लिम्फोसाइट को सुप्रेस कर दिया, और मेमोरी टी लिम्फोसाइट ने क्या कर लिया, उस वायरस के खिलाफ क्या बना ली थी, उस वायरस के खिलाफ आइडेंटिफाई बना ली कि एक बार ये पहले आया हुआ है और अब दूसरी बार आया है, तो दूसरी बार कोई बंदा सेम बंदा दूसरी बार आता है तो उसको आइडेंटिफाई करने में, उसको डिस्ट्रॉयड करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है. तो ये क्या करती है, उसको क्या करती है, उस पर्टिकुलर वायरस के खिलाफ क्या बना लेती है, अपनी मेमोरी बना लेती है. तो ये छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, क्या था, टी लिम्फोसाइट. टी लिम्फोसाइट का क्या था, टी लिम्फोसाइट का मैच्यूरेशन होता है कहां पे दोस्तों, टी लिम्फोसाइट का मैच्यूरेशन होता है थायमस ग्लैंड के अंदर. इसके बाद देखा था कि टी लिम्फोसाइट होती है, और टी लिम्फोसाइट किसके ऊपर काम करती है दोस्तों, टी लिम्फोसाइट ओनली वायरस के ऊपर काम करती है. मोस्ट कॉमन मैंने यहां पे बताया कि इसके ऊपर एचआईवी के ऊपर, और जैसे ही एचआईवी का डायग्नोस कराते हैं तो CD4 सेल कितनी मिलती है, 200 से कम मिलती है. इसका मतलब कंफर्म हो जाता है पेशेंट सफर फ्रॉम दी एचआईवी. और नॉर्मल CD4 सेल की क्वांटिटी पूछी जाती है 500 से 1500 होती है. एवरेज पूछा जाए आपसे तो एवरेज कितनी होती है दोस्तों, 950 होती है. इनके बाद आपको टी लिम्फोसाइट के मैंने सिंपल चार टाइप बताए हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, इसी को CD4 टी लिम्फोसाइट बोला था, इसी को इंड्यूसर बोला था. इनका काम क्या था, इनका हेल्पर टी लिम्फोसाइट का काम था कि क्या करना, एक्टिवेट होना, और अदर सेल को क्या करना, एक्टिवेट करना, उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करना. एक नोट डाला था मैंने यहाँ पे कि टी लिम्फोसाइट होती है, हेल्पर टी सेल्स होती है, वो किससे बिलोंग करती है, तो सिंपल सेंस भोपाल ने क्वेश्चन पूछा था किससे बिलोंग करती है, टी लिम्फोसाइट से. दूसरा पढ़ा है आपने साइटोटॉक्सिक या किलर, साइटोटॉक्सिक या किलर टी लिम्फोसाइट या CD4A सेल. इसके अंदर क्या होता है, ये क्या करेगी, जैसे हेल्पर टी सेल्स किलर को क्या करेगी, ये हेल्पर टी किलर को मैसेज भेजेगी, किलर क्या करेगी, पर्टिकुलर वायरस पे जाके अटैक करेगी, उसको डिस्ट्रॉयड कर देगी. अब ये किलर टी सेल्स क्या है, अब गुस्से के अंदर है, अब गुस्सा इसका शांत करना पड़ेगा. इसका गुस्सा शांत कौन करती है, इसका गुस्सा शांत करती है कौन, सुप्रेसर है
टी लिम्फोसाइट इसका गुस्सा शांत कर देती है। इसके बाद ये आपने क्या इसको सुप्रेस कर दिया, उसके बाद लास्ट वाली होती है, लास्ट वाली कौन सी, मेमोरी टी लिम्फोसाइट, और वो आइडेंटिफाई रखती है, मेमोरी रखती है कि यहाँ ऐसा वायरस लास्ट इन पास्ट अपनी बॉडी के अंदर एंट्री हुआ था। क्लियर है दोस्तों? तो अब नेक्स्ट टॉपिक अपना बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट आपने पढ़ा था, लिम्फोसाइट के टाइप पढ़ रहे हैं टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का। टी लिम्फोसाइट पे अपने डिस्कशन कर चुके हैं दोस्तों। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट के अंदर देखें तो फाइनल मैच्योरेशन अकर इनटू लिवर ड्यूरिंग फीटल लाइफ एंड बोन मैरो आफ्टर बर्थ, दैट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। बीएचयू के अंदर ये क्वेश्चन से पूछा हुआ है। और दोस्तों ध्यान रखना, बीएचयू के अंदर काफी बार क्वेश्चन आता है बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड इम्यूनोग्लोबिन से। जब भी एग्जाम देने जाओ बीएचयू का, लगभग 100% यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फाइनल मैच्यूरेशन अगर पूछा जाए, फाइनल मैच्यूरेशन टी लिम्फोसाइट का देखा था आपने, टी लिम्फोसाइट का थाइमस ग्लैंड में था। लेकिन फाइनल मैच्यूरेशन इनटू लीवर, लीवर में कब होता है, ड्यूरिंग फीटल लाइफ एंड बोन मैरो के अंदर कब होता है, आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ के बाद पूछ ले आपका बी लिम्फोसाइट का मैच्यूरेशन कहां पे होता है, आफ्टर बर्थ पूछे तो बोन मैरो, ड्यूरिंग इंटरमिटेंट लाइफ पूछे तो कहां पे होगा, लीवर के अंदर। क्लियर है दोस्तों? देन नेक्स्ट है की पॉइंट, बी लिम्फोसाइट आपने देखा था टी लिम्फोसाइट था वो सेल्यूलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती थी, और बी लिम्फोसाइट किस टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, सेल्यूलर इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करती है, टी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करती है, और बी लिम्फोसाइट किस टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ये भी बीएचयू मैंने हाईलाइट करा है, बीएचयू के अंदर मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बी लिम्फोसाइट फॉर्म ह्यूमरल इम्यूनिटी और बी सेल इम्यूनिटी, वहां पे भी आपने देखा था टी लिम्फोसाइट था वो टी सेल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही थी, दूसरी कौन सी प्रोवाइड कर रही थी, दूसरी सेल्यूलर इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे बी लिम्फोसाइट ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और बी सेल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ह्यूमरल इम्यूनिटी का मतलब होता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी मीन रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी, और रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी को बोलते हैं अपने इम्यूनिटी बाय एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबिन। तो यहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स होती है वो क्या करती है, आगे इम्यूनोग्लोबिन बनाने में भी क्या करती है, रोल प्ले करती है। क्लियर है दोस्तों? तो रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। द नेक्स्ट है बी लिम्फोसाइट ट्रांसफॉर्म इनटू प्लाज्मा सेल एंड प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस ए प्रोटीन दैट इज कॉल्ड गामा ग्लोबुलिन। और गामा ग्लोबुलिन का दोस्तों ध्यान रखना, गामा ग्लोबुलिन होती है, ये गामा ग्लोबुलिन इम्यूनोग्लोबिन बनाने में क्या करती है, रोल प्ले करती है। क्लियर है? बी लिम्फोसाइट ट्रांसपोर्ट इनटू प्लाज्मा सेल एंड प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस ए प्रोटीन कॉल्ड गामा ग्लोबुलिन। क्लियर है? एंड प्रोटीन गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडी fight against invading organism, especially bacterial infection. That is competitive exam question. मैंने बोला है यहाँ पे कि B lymphocyte होती है, वो कहाँ पे transfer हो जाती है? Plasma cell के अंदर हो जाती है, और plasma cell क्या करती है? Plasma cell एक protein का production करती है, उस protein का नाम होता है gamma globulins, और gamma globulin का काम क्या होता है? Gamma globulins जितने भी bacteria आ रही है, उनके साथ क्या करेगी, फाइट करेगी, उनको डिस्ट्रॉयड करेगी। तो आपको यहाँ पे दो चीज समझ में आ गई है कि बी लिम्फोसाइट होती है वो बैक्टीरिया के ऊपर काम करती है, और टी लिम्फोसाइट होती है वो किसके ऊपर काम करती है, वायरस के ऊपर काम करती है। तो ये चीज हाईलाइट मैंने कर रखी है, प्रोटीन गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज फाइट अगेंस्ट इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दैट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइन। क्लियर है दोस्तों? देन नेक्स्ट है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट के अंदर भी देखें तो बी लिम्फोसाइट आगे दो टाइप की सेल के अंदर होता है बी लिम्फोसाइट मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप सच एज प्लाज्मा सेल एंड दूसरा होता है मेमोरी बी सेल। प्लाज्मा सेल का यहाँ पे मैंने बताया था कि प्लाज्मा सेल्स आगे जाके क्या बनाती है, प्लाज्मा सेल यहाँ पे आगे जाके गामा ग्लोबुलिन बनाती है, और गामा ग्लोबुलिन आगे जाके क्या बनाती है, गामा ग्लोबुलिन सब इम्यूनोग्लोबुलिन बनाने में क्या करती है, रोल प्ले करती है। क्लियर है दोस्तों? तो बी लिम्फोसाइट मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप सच एज फर्स्ट वन इज प्लाज्मा सेल्स एंड सेकंड वन इज मेमोरी बी सेल्स।
तो प्लाज्मा सेल का काम क्या होता है देखो, प्लाज्मा सेल्स मींस गामा ग्लोबुलिन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबिन सेल्स इम्यूनोग्लोबिन आईजीजी आईजीएम आईजीए आईजीई एंड आईजीडी। सिंपल अपने इसको बोलते हैं गेम इम्यूनोग्लोबिन आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन आईजीए इम्यूनोग्लोबिन आईजीएम इम्यूनोग्लोबिन आईजीई एंड इम्यूनोग्लोबिन आईजी डी। और मेमोरी सेल का काम क्या होता है, कीप मेमोरी फॉर नेक्स्ट इंफेक्शन बाय सेम ऑर्गेनिज्म। जैसे टी लिम्फोसाइट के अंदर लास्ट में मेमोरी टी सेल्स थी, यहाँ पे मेमोरी बी सेल्स होती है। मेमोरी बी सेल भी क्या करती है, मेमोरी बी सेल्स नेक्स्ट टाइप का अगर कोई सेम बैक्टीरिया आता है उसको आइडेंटिफाई करती है और उसको इजिली डिस्ट्रॉय करा देती है। क्लियर है? तो आपने बी लिम्फोसाइट पढ़ा है दोस्तों, बी लिम्फोसाइट के अंदर कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। बी लिम्फोसाइट के अंदर दोबारा रिवीजन करवा रहा हूं 1 मिनट के अंदर, बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन सिचुएशन आता है। इंट्रायूटराइन लाइफ के अंदर बात की जाए तो बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होता है वो लीवर के अंदर होता है। एंड बी लिम्फोसाइट की अगर बात की जाए बोन मेरो अंदर कब होता है, आफ्टर बर्थ। बी लिम्फोसाइट है वो किस टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है दोस्तों, ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, बी सेल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ह्यूमरल इम्यूनिटी का मींस होता है रेजिस्टेंस पावर ऑफ दी बॉडी। देन नेक्स्ट होता है, मैंने यहां पे बताया था बी लिम्फोसाइट है वो ट्रांसफर इनटू प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। और प्लाज्मा सेल क्या प्रोड्यूस करती है, प्लाज्मा सेल एक प्रोड्यूस करती है प्रोटीन जिसका नाम होता है गामा ग्लोबुलिन। और गामा ग्लोबुलिन का काम क्या होता है, इन्फेक्शन से फाइट करने का। और इनके अंदर दूसरा बात देखें तो गामा ग्लोबुलिन का काम होता है इम्यूनोग्लोबिन बनाने का। क्लियर है दोस्तों? इनके अलावा देखें तो बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट क्या था, प्रोटीन गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडी फाइट अगेंस्ट इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बी लिम्फोसाइट कौन सी है, बैक्टीरिया के ऊपर काम करती है, वायरस के ऊपर काम करती है, तो ध्यान रखना ये बैक्टीरिया के ऊपर काम करती है। इसके बाद में सिंपल सा बी लिम्फोसाइट दो टाइप की सेल के अंदर डिवाइड होती है, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी बी सेल। प्लाज्मा सेल का काम क्या होता है, प्लाज्मा सेल का आपको पता है इम्यूनोग्लोबिन बनाने का काम होता है। मेमोरी बी सेल का काम क्या होता है, मेमोरी बी सेल का काम होता है जैसे ही कोई बैक्टीरिया पहले इन फ्यूचर में आया हुआ है दोबारा अगर वो सेम बैक्टीरिया आता है तो मेमोरी बी सेल्स क्या करती है उसको आइडेंटिफाई करके जो ऑलरेडी एंटीबॉडी होती है उनको एक्टिवेट कर देगी और उसको क्या करवा देगी बैक्टीरिया को डिस्ट्रक्शन करवा देगी। क्लियर है? इम्यूनोग्लोबिन से वो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका प्लाज्मा के बाद में। नेक्स्ट प्लाज्मा ध्यान रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। प्लाज्मा आपने पीछे देख के थे, अपने ब्लड का कंपोनेंट देखा था जिसके अंदर 45% तो क्या था ब्लड सेल थी और 55% क्या था प्लाज्मा था। तो कितना था प्लाज्मा, प्लाज्मा था 55%। तो फर्स्ट की पॉइंट रहेगा प्लाज्मा का। नेक्स्ट टॉपिक अपना देखो बी लिम्फोसाइट अपना कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। लिम्फोसाइट में जितने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर हाईलाइट किए हुए हैं, इससे अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। देन से प्लाज्मा व्हेन ऑल टाइप ऑफ सेल रिमूव आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट फ्रॉम द ब्लड देन रिमेनिंग स्ट्रॉ कलर लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। तो फर्स्ट लाइन बहुत कुछ बता रही है दोस्तों अपने को, क्या बता रही है, जो ब्लड था क्या बोल रहा है कि व्हेन द ऑल टाइप ऑफ सेल रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड, जो ब्लड था उसके अंदर से, ये सपोज करो ब्लड है इसके अंदर से आरबीसी को आपने अलग निकाल दिया, डब्ल्यूबीसी को आपने पकड़ के अलग निकाल दिया, प्लेटलेट्स को आपने क्या निकाल दिया अलग निकाल दिया। अब इसके अंदर जो फ्लूड बचा हुआ है उस फ्लूड को क्या बोलते हैं, उस फ्लूड को प्लाज्मा बोलते हैं, जहां पे क्रशर घूम रहा है नीचे उस फ्लूड को क्या बोलते हैं प्लाज्मा बोलते हैं। दूसरा जो क्या आता है प्लाज्मा का कलर पूछा जाता है दोस्तों, तो कलर किस टाइप का होता है स्ट्रा कलर लिक्विड होता है, किस टाइप का कलर होता है स्ट्रा कलर लिक्विड होता है। अगर प्लाज्मा का अगर कलर पूछ ले आपको तो क्या होगा स्ट्रा कलर लिक्विड होता है। क्लियर है? तो व्हेन ऑल टाइप ऑफ सेल रिमूव्ड सच एज आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट फ्रॉम द ब्लड देन रिमेनिंग स्ट्रा कलर लिक्विड कॉल्ड
प्लाज्मा। क्लियर है, प्लाज्मा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि प्लाज्मा होता क्या है। जितने भी ब्लड है, ब्लड में से आरबीसी को निकाल दिया, डब्ल्यूबीसी को निकाल दिया, प्लेटलेट्स को निकाल दिया, पीछे जो स्ट्रा कलर का फ्लूइड बचता है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। देन से सीरम, द वाटरी पोर्शन ऑफ ब्लड आफ्टर कोएगुलेशन कॉल्ड सीरम। सीरम किसको बोलते हैं, वाटरी पोर्शन ऑफ ब्लड आफ्टर कोएगुलेशन उसको क्या बोलेंगे, सीरम। सीरम का सिंपल सा देखें तो प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन को निकाल दे, प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन को निकाल दे, बाद में जो क्या बनता है वाटरी पोर्शन बचता है उसको क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। क्लियर है, वाटरी पोर्शन ऑफ ब्लड आफ्टर कोएगुलेशन। कोएगुलेशन क्यों बोला है, क्योंकि फिब्रिनोजन तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिब्रिन में हो गया, तो फिब्रिनोजन तो बचेगा ही नहीं, तो प्लाज्मा क्या है, सीरम में से प्लाज्मा, प्लाज्मा से क्या निकाल दें, फिब्रिनोजन निकाल देंगे, क्योंकि आपने देखा कि ब्लड में से डब्ल्यूबीसी आरबीसी और प्लेटलेट निकाल रहे थे, फिब्रिनोजन नहीं निकाल रहे थे, तो वो तो बच गया था प्लाज्मा। अब प्लाज्मा से पकड़ के आपने क्या निकाल दिया, फिब्रिनोजन अलग निकाल दिया, अब जो बच्चा है उसको क्या बोलते हैं, अब जो बच्चा है उसको क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों, द वाटरी पोर्शन ऑफ ब्लड आफ्टर कोएगुलेशन कॉल्ड सीरम। सीरम में से अगर सीरम किसको बोलते हैं, सीरम बोलेंगे प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन को निकाल देते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है आफ्टर कोएगुलेशन बोल रहा है तो फिब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिब्रिनोजन आफ्टर कोएगुलेशन फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या बचेगा, सिंपल सा प्लाज्मा लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसमें फिब्रिनोजन प्रेजेंट नहीं होता और उस स्ट्रक्चर का नाम चेंज हो जाता है सीरम। क्लियर है, तो ये सिंपल सी बात है, तो सीरम में किसी भी टाइप के क्लॉटिंग फैक्टर नहीं मिलेंगे, तो यही नेक्स्ट पॉइंट है, सीरम नो कंटेन क्लॉटिंग फैक्टर लाइक फिब्रिनोजन। क्लियर है, ये बात मैंने बताई अभी आपको, सीरम नो कंटेन फिब्रिनोजन, सॉरी सीरम नो कंटेन क्लॉटिंग फैक्टर लाइक फिब्रिनोजन बिकॉज फिब्रिनोजन कन्वर्ट इंटू फिब्रिन एंड यूज इंटू ब्लड क्लॉटिंग्स। तो क्लियर है, आपको हो रहा होगा कि सीरम किसको बोलते हैं, सीरम नो कंटेन क्लॉटिंग फैक्टर लाइक फिब्रिनोजन बिकॉज फिब्रिनोजन कन्वर्ट इनटू फिब्रिन एंड यूज इनटू ब्लड क्लॉटिंग्स। क्लियर है दोस्तों, द नेक्स्ट है प्रोटीन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्लाज्मा प्रोटीन। यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है दोस्तों, प्रोटीन प्रेजेंट इन प्लाज्मा That is called plasma protein. तो मैं यहाँ पे बता दूं आपको, प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी होती है, एल्बुमिन होती है, ग्लोबुलिन होती है एंड फिब्रिनोजन होता है। क्लियर है, तीन टाइप की प्रोटीन पाई जाती है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। नेक्स्ट आगे मैंने चार्ट बना रखा है जिसके अंदर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन के बारे में डाल रखा है, कितना कितना परसेंट होती है। क्लियर है, तो यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन का काम क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा प्रोटीन कौन से रोल प्ले करती है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हाईलाइट नहीं किया है, देख लेना कौन सी करती है, एल्ब्यूमिन। कौन सी करती है, प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन है जो मोस्टली क्या करती है, ऑनकोटिक प्रेशर या ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करती है, मेंटेन करती है। तो प्लाज्मा प्रोटीन तीन टाइप की बताई है मैंने, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। तो प्लाज्मा प्रोटीन है कौन सी, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का काम होता है क्लॉटिंग प्रोसेस के अंदर, ग्लोबुलिन का काम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन के अंदर एंड फिब्रिनोजन का काम होता है क्लॉटिंग प्रोसेस के अंदर। तीनों के मैंने फंक्शन बता दिए हैं, प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन play an important role in the maintaining of blood colloid osmotic pressure and oncotic pressure of plasma. और ध्यान रखना दोस्तों, that is competitive exam question, पहले भी मैं बता चुका हूँ, oncotic pressure या colloid osmotic pressure की normal value पूछी जाती है, जो दिल्ली एम्स के अंदर भी repeated question है, 25 to 30 mm of HD. तो यहाँ पे दो question बनते हैं दोस्तों, कि एक तो पहला question बनता है कि oncotic pressure या colloid osmotic प्रेशर वो कौन से टाइप की प्लाज्मा प्रोटीन है जो रोल प्ले करवाती है, तो ध्यान रखना वहां पे राइट आंसर जाएगा एल्ब्यूमिन। दूसरा जाता है नॉर्मल ऑनकोटिक प्रेशर या ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कितना होता है, ध्यान रखना दोस्तों 25 to 30 mm of Hg होता है। द नेक्स्ट है एल्ब्यूमिन,
एल्यूमिन का मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होता है, तो वही चीज मैंने यहां पे डाली है। एल्यूमिन्स एल्यूमिन्स इज स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट नंबर ऑफ प्रोटीन, किसके अंदर बात को बोल रहा है, मोस्ट नंबर ऑफ प्लाज्मा के अंदर। मोस्ट नंबर ऑफ प्रोटीन प्ले मेजर रोल इन मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड एंड प्लाज्मा प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय हिपेटोसाइट एक्सेप्ट गामा ग्लोबिन प्रोटीन। तो यहां पे ये भी ध्यान रखना, प्लाज्मा प्रोटीन एल्यूमिन एंड फिब्रिनोजन दोनों है, दोनों का सिंथेसाइज किसके द्वारा होता है, हिपेटोसाइट सेल, और हिपेटोसाइट सेल नॉर्मली प्रेजेंट इन दी लीवर। एंड गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, इनका सिंथेसाइज कहां पे होता है, इनका सिंथेसाइज होता है दोस्तों लिम्फ नोड के अंदर। क्लियर है। एल्यूमिन इज द स्मॉल एंड मोस्ट नंबर ऑफ प्रोटीन प्ले मेजर रोल इन मेंटेनिंग ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड एंड प्लाज्मा प्रोटीन आर सिंथेसाइज बाय द हिपेटोसाइट। प्लाज्मा प्रोटीन नॉर्मली आपको पता है प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो लीवर के अंदर होता है। एल्यूमिन एंड फिब्रिनोजन दो टाइप की प्लाज्मा प्रोटीन का तो करती है हिपेटोसाइट सेल, एक टाइप की प्लाज्मा प्रोटीन बच जाती है ग्लोबुलिन, उनका सिंथेसाइज कहां पे होता है, उनका सिंथेसाइज होता है दोस्तों लिम्फ नोड के अंदर। देन नेक्स्ट देखें प्लाज्मा टाइप ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूड। प्लाज्मा किस टाइप का है, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूड है या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूड। प्लाज्मा होता है नॉर्मली वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूड होता है, और कितना परसेंट होता है नॉर्मली 7% टोटल है, 100% का देखें क्वांटिटी तो कितना परसेंट होता है 7%। क्लियर है। अब इसी बेस में थोड़ा सा मैं आपको एक दूसरी चीज और बता देता हूं। क्लियर है दोस्तों। तो प्लाज्मा की क्राइटेरिया देख रहे हैं, नॉर्मल अगर आपने प्लाज्मा की वैल्यू देखें तो अपनी बॉडी के अंदर इंट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट जहां पे मेरा क्रशर घूम रहा है, इस चीज को अच्छे से देखना, इंट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट है और जो कितना होता है नॉर्मली अपनी बॉडी के अंदर 37% होता है। अपनी बॉडी के अंदर कितना होता है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूड कंपार्टमेंट है 37% जो प्रेशर घूम रहा है। इसके अलावा देखें इंटरस्टेटियल फ्लूड होता है वो कितना होता है, इंटरस्टेटियल फ्लूड होता है वो अपनी बॉडी के अंदर कितना होता है 25%। क्लियर है 25%। और 7% अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है, 7% होता है अपनी बॉडी के अंदर जहां पे क्रशर घूम रहा है प्लाज्मा, और 1% बचता है जिसको बोलते हैं ट्रांससेल्युलर फ्लूड, जिसको क्या बोलते हैं ट्रांससेल्युलर फ्लूड। ट्रांससेल्युलर फ्लूड दोस्तों प्लाज्मा और इंटरस्टेटियल फ्लूड सारे का सारा कंपार्टमेंट आता है वो 33% के अंदर आता है, और इस सबको बोलते हैं एक्स्ट्रा फ्लूड कंपार्टमेंट। इंट्रा सेलुलर फ्लूड कंपार्टमेंट होता है वो कितना होता है 67%। दोबारा देखना दोस्तों, इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट होता है बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर वो कितना होता है वो देखें 67%। एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट कितना होता है 33%। इन 33 का अगर देखें तो 25% होता है वो इंटरस्टिशियल फ्लूड होता है जो सेल एंड टिश्यू के बीच में होता है, और प्लाज्मा होता है वो कितना होता है, प्लाज्मा होता है 7%। और यही बात मैंने बताई थी प्लाज्मा टाइप ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड। क्रशर दूसरी साइड जा रहा है दोस्तों डायग्राम के, प्लाज्मा टाइप ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड कितना होता है 7%, और यहाँ पे डायग्राम के अंदर भी आपको क्या 7% दिख रहा है, और 1% क्या बच जाता है दोस्तों 1% होता है ट्रांससेल्युलर फ्लूड। कौन सा होता है दोस्तों ट्रांससेल्युलर फ्लूड। चलो ये भी मौका दूंगा आगे मैं इन फ्यूचर के अंदर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करूंगा, उस टाइम भी आपको मौका जरूर दूंगा क्वेश्चंस पुट करने का और आंसर देने का। नेक्स्ट है देखते हैं अपने आपका, आपको पता हो लग गया होगा कि 7% होता है वो प्लाज्मा होता है, किस कौन सा क्वाड्रेंट है जो आपको ब्लू लाइन दिख रही साइड है जो 33% लिखा हुआ है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में कितना होता है प्लाज्मा 7% होता है। क्लियर है दोस्तों। देन नेक्स्ट है अपना ट्रांससेल्यूलर फ्लूड। अब ट्रांससेल्यूलर फ्लूड कौन सा होता है ये भी आपको पता लग गया होगा दोस्तों, ट्रांससेल्यूलर फ्लूड
ट्रांसेल्यूलर फ्लूड के अंदर बात करें दोस्तों, तो ट्रांसेल्यूलर फ्लूड कौन कौन से होते हैं? साइनोवियल फ्लूड है वो ट्रांसेल्यूलर फ्लूड के अंदर काउंट होता है, पेरिटोनियल फ्लूड है वो ट्रांसेल्यूलर फ्लूड के अंदर काउंट होता है, उसके बाद इंट्रा ऑक्युलर आई वाला होता है वो भी किसके अंदर होता है? ट्रांसेल्यूलर फ्लूड के अंदर काउंट होता है। और इनके अलावा देखें अपने तो साइनोवियल फ्लूड है वो भी ट्रांसेल्यूलर के अंदर, पेरिटोनियल फ्लूड है वो भी किसके अंदर आता है? ट्रांसेल्यूलर के अंदर, पेरिकार्डियल का है जो हार्ट की लेयर के अंदर पेरिटोनियल और विसरल लेयर्स होती है पेरिकार्डियल की उसके अंदर, इंट्राओकुलर जो आई वाला है, और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड है जो आपको पता है मेनिजस की लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये सारे के सारे फ्लूड किसके अंदर आता है? ट्रांसेल्यूलर फ्लूड की क्वांटिटी के अंदर आता है। क्लियर है दोस्तों? देन अपने बात करें यहाँ पे नेक्स्ट है प्लाज्मा 55% अपनी बॉडी के अंदर होता है, ये चीज आपको अच्छी तरह पता है। अभी मैंने बताया जस्ट आपको प्लाज्मा वो किस टाइप का है, एक एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड होता है, और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड के अंदर बात करें तो क्या होता है? 7% होता है जो नॉर्मली प्रेजेंट होता है। एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट अभी डायग्राम में बताया था 33% होता है, जिसमें 25% इंटरस्टीलियर था और 7% था वो क्या था? प्लाज्मा था, और 1% क्या था? ट्रांस सेल्युलर था। देन प्लाज्मा था 55%, और इस 55% को अगर 100% देखें क्वांटिटी के अंदर है, तो 55% के अंदर देखें तो 91.5% क्या होता है प्लाज्मा के अंदर? वाटर होता है। दैट इज कंपीटेटिव एग्जाम क्वेश्चन एम्स पीजी और बीएचयू के अंदर ये दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है। प्लाज्मा के अंदर कितना वाटर होता है? 91.5% क्या होता है प्लाज्मा के अंदर? वाटर प्रेजेंट होता है। दूसरा अदर सोल्यूट की बात की जाए तो अदर सोल्यूट कितना होता है इसके अंदर? 1.5% है। और उसके बाद देखे जाए तो प्रोटीन, और प्रोटीन कितनी होती है? 7% होती है, और 7% का यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिए तो आपने अभी देखा था कि सबसे ज्यादा वो एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होती है, तो कितनी होती है 7% की? कितनी होगी सबसे ज्यादा? 24% ही एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होती है, एल्ब्यूमिन 24%, ग्लोबुलिन होती है वो 8%, एंड फिब्रिनोजन होता है वो कितना होता है? 7%, एंड प्रोथ्रोम्बिन होता है वो कितना होता है? यहाँ पे दोस्तों 1% है वो प्रेजेंट होता है। क्लियर है? दोबारा बता रहा हूं दोस्तों, प्लाज्मा प्लाज्मा के अंदर नॉर्मल कंसंट्रेशन देखें अपने तो 55% होता है। अब 55% को अपने क्या मानना है? 100% मानना है। इस 55% के अंदर देखें मींस 100% प्लाज्मा में देखें तो 91% प्लाज्मा में क्या होता है? वाटर होता है। और ये कंसंट्रेशन पूछी जाती है एम्स पीजी बीएचयू का, रिपीटेड क्वेश्चन है। और 7% पूछी जाती है प्लाज्मा में प्रोटीन कितना परसेंट होती है? प्लाज्मा में प्रोटीन होती है वो 7% होती है, और 7% ही प्लाज्मा है वो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है। अब 7% का देखें तो कितना होगा? एल्ब्यूमिन होती है वो 54% प्रेजेंट होती है इसके अंदर, और ग्लोबुलिन होते हैं 38% है, और फिब्रिनोजन होता है वो 7% है, और प्रोथ्रोम्बिन होता है वो कितना होता है दोस्तों इसके अंदर है? 1% होता है। प्रोथ्रोम्बिन कितना होता है? 1%, फिब्रिनोजन होता है वो 7%, ग्लोबुलिन होता है 38%, और एल्ब्यूमिन कितना होता है? 54%। देन अदर सॉल्यूट की बात की जाए प्लाज्मा के अंदर, तो अदर के अंदर आपको पता है क्या होगा? CO2 मिलेगी इसके अंदर। अदर में क्या मिलेगी? CO2 मिलेगी, एंड दूसरा क्या मिलेगी? CO2, इनके अलावा सम क्वांटिटी में नाइट्रोजन कंपाउंड और O2 कंपाउंड भी यहां पे देखने को मिलते हैं, और इनके अलावा न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या मिलेगा? एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज। इनके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया एंड यूरिक एसिड भी इसके अंदर मिलेगा, हॉर्मोन भी मिलता है इसके अंदर, एंड इलेक्ट्रोलाइट भी इसके अंदर क्या होगा देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, प्लाज्मा के अंदर है वो 55% होता है जिसका 7% प्रोटीन प्रेजेंट होती है, 1.5% अदर सॉल्यूट होता है जिसके अंदर O2, CO2, न्यूट्रिएंट्स के अंदर देखें तो एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज होती है। वेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर बात करें प्लाज्मा के अंदर तो यूरिक एसिड और यूरिया होती है, एंड इनके अलावा हॉर्मोन, एंड इनके अलावा इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड होता है। क्लियर है दोस्तों? आशा करता हूं आपको ये सारणी अच्छे से समझ में आ चुकी है। देन ग्लोबिन आपने देखा था 4.5% देख के आए थे पीछे, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन का रेशियो आपने पढ़ा था, तो वहां पे 2.3 देखा था, 2.3 के राउंड देखा था, और वहां पे एल्ब्यूमिन को 4.7 के राउंड देखा था, और ग्लोबुलिन को कितना देखा था?
ग्लोबुलिन को देखा था नॉर्मली वहां पे आपने 2.3 ग्राम आप वहां पे पीछे पढ़ के आए थे। देन से ग्लोबुलिन का काम क्या होता है, फॉर्म एंटीबॉडी इन दी ब्लड, इम्यूनोग्लोबिन बनाने का काम होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे डाटा ये यहाँ पे याद ना करो तो ठीक रहेगा, क्योंकि पीछे मैंने एक जगह आपको डाटा याद करवा दिया है। ग्लोबुलिन्स, तो ग्लोबुलिन की बात की जाए नॉर्मली, तो ग्लोबुलिन्स का काम क्या होता है, ग्लोबुलिन्स का नॉर्मली काम होता है आपने देखा था 2.3 ग्राम के राउंड नॉर्मली प्रेजेंट थी, 4.7 के राउंड तक क्या था एल्ब्यूमिन प्रेजेंट थी। तो एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन का दोनों का रेशियो देखा था आपने, एल्ब्यूमिन 4.7 थी और ग्लोबुलिन थी वो 2.3 थी। तो एल्ब्यूमिन को क्या माना था 2, क्योंकि ग्लोबुलिन की डबल होती तो दोनों का रेशियो क्या था नॉर्मली एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन का रेशियो था वो क्या था 2:1 था। तो ग्लोबुलिन का काम क्या होता है नॉर्मली, तो सिंपल सा ध्यान रखना, ग्लोबुलिन का काम होता है ब्लड के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन बनाने का। और एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन का रेशियो मैंने स्टार्ट में आपका फर्स्ट वीडियो डाली थी क्लास, उसके अंदर आपको अच्छी तरह सारी डिटेल्स मिल जाएगी। वहां पे फर्स्ट जो मेरा लेक्चर है ब्लड का उसके अंदर देखोगे, उसके अंदर एक वहां पे फ्लो चार्ट बना रखा है, उस चार्ट के अंदर मैंने एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन है उनकी डिटेल डाल रखी है। एल्ब्यूमिन की वहां पे 4.7 से क्राइटेरिया डाला हुआ है और ग्लोबुलिन कितना डाला हुआ वहां पे 2.3। तो वहां पे रेशियो देखें दोनों का, तो नॉर्मल एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन का रेशियो कितना होता है 2:1, दैट इज कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन। देन इसके अलावा देखें इन प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के अंदर रेशियो कितना हो जाता है इनका 1:1, क्योंकि यहाँ पे हिमोडायल्यूशन होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे एल्ब्यूमिन की क्वांटिटी क्या हो जाती है कम हो जाती है, और एल्ब्यूमिन की क्वांटिटी कम होती है तो आपको पता है प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है एंकल एडिमा देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है एंकल एडिमा, एंकल एडिमा इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि एल्ब्यूमिन की क्वांटिटी क्या हो जाती है कम हो जाती है। दूसरा एंकल एडिमा होने का कारण क्या होता है प्रेगनेंसी के अंदर, दूसरा काम होता है जो ग्रोविंग यूट्रस होता है उसका प्रेशर इंफीरियर वेना के बाद ऊपर आता है, जिसकी वजह से लोअर एक्सट्रीमिटी का ब्लड है वो वापिस प्रॉपर नहीं आ पाता है, इसकी वजह से यहाँ पे भी लोअर एडिमा देखने को मिलता है। तो प्रेगनेंसी के अंदर एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन का रेशियो क्या होता है 1:1 होता है, क्लियर है दोस्तों। मैंने आपको बताया अभी ग्लोबुलिन्स, ग्लोबुलिन्स प्रोटीन होती है उसका सिंपल सा काम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन बनाने का। एल्ब्यूमिन्स एंड ग्लोबुलिन का रेशियो होता है 2:1 होता है नॉर्मली, और प्रेगनेंसी के अंदर 1:1 हो जाता है। क्यों हो जाता है प्रेगनेंसी के अंदर, क्यों प्रेगनेंसी के अंदर एल्ब्यूमिन की क्वांटिटी क्या हो जाती है कम हो जाती है, इसलिए आपने देखा होगी प्रेगनेंसी के अंदर फीमेल के अंदर एंकल एडिमा वो देखने को मिलता है। यहाँ पे दो रीजन रहता है, एक तो एल्ब्यूमिन वाला रहता है और सेकेंड रीजन रहता है वहां पे इनफीरियर वेना के प्रेशर वाला, क्लियर है दोस्तों। देन नेक्स्ट है फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन के अंदर देखें तो 0.3 ग्राम के राउंड क्या होता है ये प्रेजेंट होता है, कितना होता है 0.3 ग्राम के अंदर क्या होता है फिब्रिनोजन प्रेजेंट होता है। इट इज इसेंशियल फॉर ब्लड कोगुलेशन ब्लड क्लॉटिंग, क्यों होता है आपको पता है क्यों होता है कि क्लोटिंग प्रोसेस अभी मैं बताऊंगा। इसके अंदर थ्रोम्बिन होता है वो किसके अंदर है प्रोथ्रोम्बिन होता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बीच के अंदर आपने एक एरो खींचते हैं, एरो के अंदर आपने देखा कि ऊपर थ्रोमोप्लास्टिन था और एक आयन यूज होता है वहां पे कैल्शियम होता है। इसके बाद फिब्रिनोजन होता है वो थ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है वो फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो वाटर इनसोल्युबल होता है। तो यही बात है यहाँ पे फिब्रिनोजन का काम क्या होता है, इट इज इसेंशियल फॉर ब्लड कोगुलेशन ब्लड क्लॉटिंग के अंदर बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अगर फिब्रिनोजन नहीं है तो फिब्रिनोजन नहीं है तो ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है जो लास्ट में एंड प्रोडक्ट बनता है ब्लड क्लॉटिंग का फिब्रिन वो नहीं बन पाएगा। तो इट इज इसेंशियल फॉर ब्लड कोगुलेशन ब्लड क्लॉटिंग फिब्रिनोजन कन्वर्ट इन टू फिब्रिन ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग, क्यों सेंसी है क्योंकि फिब्रिनोजन होता है वो ब्लड क्लॉटिंग के दौरान किसमें कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और फिब्रिन क्या होता है एक वाटर इनसोल्युबल प्रोटीन्स होती है जो क्या करती है ब्लड का थक्का बनाने में रोल प्ले करती है, ब्लीडिंग को स्टॉप करने में रोल प्ले करती है। फिब्रिनोजन को ही क्या बोलते हैं, फिब्रिनोजन को ही क्या बोलते हैं, फिब्रिनोजन को ही क्लॉटिंग प्रोटीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्लॉटिंग है प्रोटीन बोलते हैं, इट इज कॉल्ड क्लॉटिंग प्रोटीन। क्लॉटिंग प्रोटीन किसको बोलते हैं
फिब्रिनोजन को बोलते हैं। देन नेक्स्ट है दोस्तों, लास्ट बनता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन ड्यूरिंग कोएगुलेशन। तो यहां पे घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं क्लोटिंग प्रोसेस के अंदर यहां पे आपको प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है विद डायग्राम दिखाऊंगा वहां पे। देन फिब्रिनोजन होता है फिब्रिन के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है, फिब्रिनोजन फिब्रिन में कैसे कन्वर्ट होता है। देन इनके अलावा बीच में जो कन्वर्ट होता है, बीच में एंजाइम का काम करता है, थ्रोमोप्लास्टिन्स हो गया या थ्रोमोकाइनेज है, या कौन सा आयन रोल प्ले करता है, कैल्शियम रोल प्ले करता है, तो अपने डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। क्लोटिंग प्रोसेस पढ़ेंगे ब्लड की, उसके अंदर डिटेल में आ जाएगा। तो प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या होता है, तो सिंपल सा क्लोटिंग प्रोसेस में अभी भी बता देता हूं आपको। क्लोटिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट होता है। किस एंजाइम की प्रेजेंस में एंजाइम्स काम करता है वहां पे, थ्रोमोप्लास्टिन, और कौन सा आयन काम करता है, कैल्शियम आयन करता है, किसमें कन्वर्ट हो गया, थ्रोम्बिन में। उसके बाद फिब्रिनोजन होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, फिब्रिन में। किसकी प्रेजेंस में होता है, होता है वो थ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम आयन की। और फिब्रिन लास्ट में आपको पता है फिब्रिन का काम क्या होता है, फिब्रिन का काम होता है ब्लड का क्लॉट बनाने में रोल प्ले करता है। कैसे वहां पे ब्लड जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर है या प्लेटलेट्स आके कैसे चिपकते हैं, कैसे वैसो कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो सारी डिटेल है वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें क्लॉटिंग प्रोसेस पढ़ाऊंगा उसके अंदर दोस्तों मिलेगी। और आपसे यही विदा बोलता हूं जाते जाते, मैं आपको आज का अपना टॉपिक यहीं पे फिनिश होगा। अभी तक आपको मैंने पढ़ाया है लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, इसके बाद में प्लाज्मा जो नॉर्मल आपको बताया था 55% होता है। देन उसके बाद प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन होती है, तीन टाइप की प्रोटीन बताई थी, तीनों टाइप के प्रोटीन का फंक्शन बता दिया। एल्बुमिन्स क्या रोल प्ले करता है, उनको टी प्रेशर का रोल प्ले करता है, उनको टी प्रेशर नॉर्मल कितना होता है। इनके अलावा फ्लो चार्ट देखा था जिसके अंदर 7% प्रोटीन थी। इनके अलावा आपने देखा था 1.5% अदर थे जिसके अंदर O2 CO2 हार्मोन इलेक्ट्रोलाइट था, एंड 91.5% क्या था, वाटर था। ध्यान रखना दोस्तों वाटर के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है एम्स पीजीए बीएचयू के अंदर। इनके अलावा आपको पढ़ा है ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन का काम होता है इम्यूनोग्लोबिन बनाने का। नॉर्मल एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन का रेशियो होता है वो 2:1 होता है। प्रेगनेंसी के अंदर स्लाइटली एल्बुमिन का लेवल कम हो जाता है, इसलिए दोनों का रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। फिब्रिनोजन का काम क्या होता है, फिब्रिनोजन का काम सिंपल सा होता है क्लॉटिंग प्रोसेस के अंदर होता है, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। और फिब्रिनोजन को क्या बोलते हैं दोस्तों, फिब्रिनोजन को क्लॉटिंग प्रोटीन बोलते हैं। एक बात और बताई थी प्लाज्मा के अंदर मैंने, प्लाज्मा के अंदर 7% वो क्या होता है, प्लाज्मा कोश इंट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। मैंने ड्रॉ बताया आपको 67% तो इंट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट था। और नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके अंदर मैं लिख के आऊंगा इंट्रा सेल्यूलर में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर में और कौन कौन से होते हैं, सारी आपको नेक्स्ट फंडा के अंदर डिटेल मिलेगी और ज्यादा। तो 33% था एक्स्ट्रा सेल्यूलर जिसके अंदर क्या था दोस्तों, उसके अंदर था 25% इंटरस्टीलियर, 7% था जो प्लाज्मा था, 1% था इंट्रा सेलुलर। और इंट्रा सेलुलर के अंदर आपको बता साइनोवियल फ्लूड था, सीएसएल था, सारी चीज में आपको वहां पे बता के गया था। क्लियर है दोस्तों? तो आशा करता हूं मेरा वीडियो वो सभी को समझ में आ रहा होगा। और अगर किसी को लगता है कि मेरे को कुछ थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करना है वीडियो के अंदर, तो आप मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर फोन भी कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। और इन फ्यूचर आपके सामने इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियो में लेके आता रहूंगा। और जाते जाते आपसे यही हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं कि प्लीज जितना उसके इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, जितने भी आपके नर्सिंग फ्रेंड है उनसे आपको करवाना है, ताकि जितने ज्यादा सब्सक्राइब होंगे उतना ही मैं जल्दी आपके सामने ऑनलाइन वीडियो लेकर पेश होऊंगा। धन्यवाद।